अन्य उद्यानीकरण, सिंचाई कार्य हेतु ट्यूबवेल की व्यवस्था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्रकाश व्यवस्था, बाउंड्री वाल, प्रवेश द्वार, इन सब कार्यों का आज यहाँ पर हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ, मुझे बताया गया कि नगला चंद्रमान में बालिकाओं की शिक्षा के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक डिग्री कॉलेज की स्थापना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर यहाँ पर स्थापित करेगी। मैं इस बात को समझ सकता हूँ, बालिकाओं की शिक्षा, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर उन बालिकाओं को जाना पड़ता होगा, और मुझे लगता है कि जब यहाँ पर डिग्री कॉलेज बनेगा, वे बालिकाएं आसपास के दर्जनों गांव के बालिकाएं अपने ही गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि में उनको अध्ययन का एक अवसर प्राप्त होगा। उनसे सिंचाई विभाग से कहा है कि नहरों में टेल तक किसी भी स्थिति में पानी पहुंचाओ, और सूखे से जो नुकसान किसानों को हुआ है उसका सर्वे करवा करके किसानों को यथा समय उसका मुआवजा प्रदान करने की कार्रवाई प्रारंभ कराओ। किसान के चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसी बात को कहते हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात को लेकर के कहते हैं, किसान की आय को दोगुना कैसे किया जाए। उस किसान के चेहरे पर खुशहाली के लिए आवश्यक है उसकी आय को दोगुना करो, उसको हर प्रकार से खुशहाल करो।